हमने यूनिवर्सिटी मनाई गई हरगोविंद खुराना की जो एक बायो केमस्ट एंड केमिकल बायोलॉजिस्ट थे एंड ये पैदा हुए थे जनवरी नाइन्थ नाइनटीन टू रायपुर इंडिया रायपुर अभी गए पाकिस्तान में वहाँ पर इनके बर्थ, बर्थ हुआ था इनका बर्थ हुआ था हर गोविंद खुराना का तो वॉज अ बायो केमस्ट एंड केमिकल बायोलॉजिस्ट ये बहुत पुअर फैमिली में पैदा हुए थे उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी एट पंजाब एट लाहौर इंडिया पाकिस्तान में लाहौर में इन्होंने पढ़ाई की थी एंड फिर ये गए थे लिवरपूल इंग्लैंड में स्टडी करने ऑन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी फिर ये लिवरपुल इंग्लैंड में पढ़ाई की थी इन्होंने हरगोविंद खुराना ने इन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की न्यूक्लिक एसिड्स में इन्होंने फेलोशिप की थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अंडर सर एलेक्सेंडर टोल इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की स्टडी स्टार्ट की रिसर्च स्टार्ट की इन्होंने जेनेटिक्स में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था नाइनटीन सेवेंटीज में इन्होंने सिंथेसाइज की थी फर्स्ट आर्टिफिशियल कॉपी ऑफ ईस्ट जीन ईस्ट जीन की फर्स्ट आर्टिफिशियल कॉपी बनाई थी इन्होंने एंड इनकी स्टडी प्राइमरली कंसर्न थी विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रोडोप्सिन रोडोप्सिन क्या एक है एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है तो जो आपके वर्टिब्रेट आई जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनके रेटिना में रेटिना में पाया जाता है रोडोप्सिन उसकी स्टडी उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करने काफ़ी काम किया था इन्होंने इन्वेस्टिगेट किए थे म्यूटेशन इन रोडोप्सिन एंड दैट आर एसोसिएट विद द रेटिन पिगमेंटोसा जो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है विच कॉज नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस पे भी इन्होंने स्टडी की थी हरगोविंद खुराना ने 1986 में इन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया था फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन विद मार्शल डब्ल्यू नारायण परॉबर्ट डब्लू होली इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है एंड फॉर द रिसर्च दैट हेल टू शो हाउ न्यूक्लिक न्यूक्लिकाउ हाउ टाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड विच कैरी द जेनेटिक कोड ऑफ द सेल कंट्रोल द सेल सिंथिस ऑफ प्रोटीन तो उन्होंने बताया था किस तरीके से न्यूक्लियो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जो हमने प्रोसेस पढ़ाया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन उस प्रोसेस को उन्होंने बताया था इसलिए उन्हें नाइनटीन में नोबल प्राइज मिला था विथ टू अदर साइंटिस्ट सो नोबल प्राइज के साथ इन्होंने मिला है एल्बर्ट लेस्कर बेसिक मेडिकल रिसर्च अवार्ड इन सिक्सटी एंड नेशनल मेडल ऑफ साइंस इन एटी सेवन इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड किया था पद्म विभूषण इन 1969। हरगोविंद खुराना इज बॉर्न इन 9 जनवरी पाकिस्तान एंड ई डू थाउजेंड अलेवन बॉस्टन यू एस आई एंड मिला था 1986 एटी सिक्स का नोबल प्राइज़ फॉर फिजोलॉजी और मेडिसिन तो उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल जीन ईट जीन बनाया था और न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में इसके लिए उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था 1968 में एंड ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन ट्वेंटी रायपुर पाकिस्तान